प्रयाग जी एक जाने माने लेखक हैं, कलाविद हैं, कवि हैं और उसके साथ ही समाजवादी भी हैं। कल्पना संपादकीय मंडल के सदस्य रहे हैं और उनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में बहुत रहा है, कला के क्षेत्र में रहा है और एक कवि के रूप में भी रहा है। और हम इन सभी के साथ जुड़ जाता है समाजवादी आंदोलन, उनकी एक जो है समाज के प्रति अपने आप को पूरी तरह उत्तरदायी मानते हैं और समाज की असमानताओं को खत्म करने का जो बीड़ा उठाने का एक काम है, ये बहुत ही लंबा काम है, एकदम से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है उसमें समाजवादी चिंतन की गहरी पैठ होनी चाहिए और उसके लिए प्रयाग जी जैसे लोगों का जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। रघुवीर सहाय, किशन पटनायक, ओम प्रकाश दीपक, उनके साथ जो इन्होंने योगदान दिया है, जन में जन की जो मासिक जो मीटिंग्स होती थी उसके अंदर जिस गहराई से समाजवादी विचारधारा की समझ बैठाई गई है और उसका ही परिणाम है कि कई राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी समाजवाद के नाम लेने के लिए बहुत लोग हैं, ये दूसरी बात है कि समाजवादी आंदोलन तो जिंदा है लेकिन समाजवादी कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम बहुत कमजोर हैं। और उसका कारण यही हो सकता है कि शायद हम इस बिखराव के कारण जो राजनीति से जुड़े हुए साजिशें होती हैं जिसकी शुरुआत समाजवादी ढंग के समाज के साथ ही शुरू कर दी गई थी और उसके बाद दुनिया भर के लोग समाजवादी बन के आए और असली समाजवाद छुप कर रह गया। हम चाहेंगे कि जो समाज के अंदर अन्याय है, गैर बराबरी है, उसको खत्म करने के लिए आंदोलन एक बार दोबारा खड़ा हो और यही हमारी उम्मीद है। और इसी के साथ हम समाजवादी जन परिषद को चलाने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रयाग जी से का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आज उनकी दृष्टि से, आज उनकी सोच से हमें बहुत समझ आएगी, बहुत फायदा होगा और आगे की दिशा भी मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहले किशन जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। उनके साथ मेरा भाग्य की बहुत समय बिताने का अवसर मिला। मैं 64 में दिल्ली आया था कल्पना पत्रिका छोड़कर और तभी किशन जी और पूरे एक लोहिया मंडल से, स्वयं लोहिया जी से, दीपक जी से परिचय हो गया था। फिर जैसा कि अभी अतुल कुमार जी ने बताया ही आपको, उसकी अगली कड़ी ये बनी कि मैं दिनमान से जुड़ा, पहले फ्रीलांसर के रूप में, फिर वहाँ स्टाफ में रहा। तो दिनमान भी एक तरह से समाजवादियों का आप कह सकते हो कि वहाँ ऐसा तो था नहीं कि रोज बहुत सारे समाजवादी आते हों, उस अर्थ में कोई जमघट था, पर विचारों के स्तर पर एक जमघट था और उसमें प्रायः सभी समाजवादी विचारक कभी न कभी लिखते रहे। और रघुवीर जी स्वयं लोहिया से बहुत प्रभावित थे, अपने समय के बाकी लेखकों की तरह, जिनमें आनंद मूर्ति हैं, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य हैं, विजय देवरायण शाही हैं, कृष्णनाथ हैं और मैं ऐसे और भी नाम लेता जा सकता हूँ। तो ये बहुत स्वाभाविक था कि उस मंडल में मैं शामिल हो जाता, संयोग से भी और इच्छा से भी। तो किशन जी को हमने जाना एक विचारक के रूप में, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में, बहुत नैतिक बल वाले व्यक्ति के रूप में। और उनकी कदकाठी आप जानते हो कि वो बहुत ऐसे कोई भारी नहीं थी, वो बड़े सतर्क लगते थे बहुत। और बहुत जो कुछ भी वो पढ़ते थे, जहाँ भी उनकी नज़र पड़ती थी वो बहुत गहरी तरह से पढ़ती थी। मेरी कविता पर तो उन्होंने एक ही बार कहा कि मैंने वो पढ़ी है। अब उन्होंने ठीक ठीक क्या कहा था
ये मुझे याद नहीं रह गया। वो कविता थी एक सड़क पार करने वाले व्यक्ति के बारे में, मेरी कविता। उसकी कृष्ण जी ने जैसी व्याख्या की थी तो मैं तो उसको सुनकर बहुत लिखी मैंने थी, कुछ बोध था कि हाँ ऐसा ही तो है इस कविता में। पर उतना गहरे उतार दिया उन्होंने स्वयं एक कवि को जिसने वो कविता लिखी है, कुछ बातें कहकर। इसको भी मैं अपना भाग्य मानता हूँ कि वो दौर ऐसा था 60 के 70 के दशक का, जब हमारे बीच ऐसे लोग थे। और वो उसमें एक चीज और भी याद करने वाली लगती है आज इस सभा में गांधी के प्रसंग से, कि मैंने पाया कि सबने गांधी स्पर्श किए। लोहिया तो जाहिर है गांधी के साथ काम कर चुके थे, फिर उसके बाद कड़ी लोहिया से कुछ किशन जी में, मधु जी में और बाकी नेताओं में, कार्यकर्ताओं तक में वो चली आई। खुद अशोक सिकसरिया में, इनका अभी जिक्र हुआ, और जिन्होंने किशन जी की ये किताब संपादित की है। तो दूसरा मेरा भाग ये कि अशोक जी मेरे सबसे गहरे और सबसे कम उम्र में बने व्यक्ति मित्र थे। मैं 15 साल का था जब उनसे परिचय हुआ था। सीताराम सिकसरिया के बेटे थे जो गांधी जी के बहुत साथ रहे थे। गांधी जी उनकी, अशोक जी की बहनों को पत्र लिखते थे उनकी हारी बीमारी पर, वो देखे हैं मैंने। बहुत निकट का साथ था सिकसरिया जी का, तो अशोक जी में भी एक गांधी स्पर्श तो था और वो आजीवन रहा। तो ये समाजवादियों में जो गांधी स्पर्श रहा, और आज भी समाजवादियों में मैं उसको पाता हूँ, सिर्फ गांधीवादियों में नहीं, ये गांधी के कार्यकर्ता, गांधी संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में ही नहीं, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है क्योंकि गांधी आकर्षित करते हैं। गांधी ने हम लोगों को कभी आकर्षित करना छोड़ा नहीं है। मैं 1940 का मेरा जन्म है, जब गांधी की मृत्यु हुई तो मैं 8 साल का था। इसको सोचकर कभी कभी दुख होता है कि मैं उनकी एक झलक नहीं पा सका, जैसे मेरी पत्नी पा सकी, वो भी कलकत्ते में ही बड़ी हुई मेरी तरह। तब शरणार्थी आए थे दोनों जगहों से, बंगाल से भी और इधर पंजाब से भी। तो उनके घर के सामने गुरुद्वारा था। वो अभी भी बताती हैं कि गांधी को देखने की स्मृति, शायद 6 साल के होंगे, और छत से वो लोग देख रहे थे और वो भूली नहीं। दूसरा ये कि गांधी की आवाज, इस पर ओम से हम लोगों की 2-4 बार बात भी हुई है। गे जो ओम के भी बहुत निकट रहे और ओम उनके निकट रहे, और मैंने तो अपना जीवन उनके साथ पत्रकारिता में शुरू किया था। उन्होंने जो लिखा है कि वो बैठे हुए थे तो क्रांतिकारी थे, तो रेडियो से गांधी की आवाज कहीं से आई, और गांधी जैसा वो बोलते थे कि मैं सीधी सच्ची बात कहता हूं। वासिया जी ने लिखा है कि ये मुझे लगा कि ये कौन सी आवाज, उस आवाज ने मुझे घेर लिया, बांध लिया। तो वो आवाज मैं नहीं सुन पाया, पर ये कह सकता हूं कि जब गांधी कलकत्ता में थे, नुआखाली गए थे, तो मैं उस कलकत्ता में मौजूद था। उस कलकत्ता में मौजूद था जिसमें भयंकर मारकाट मची हुई थी, वो मैं कभी जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। अपने घर की छत से वो नंगी तलवारें, लोगों के कटते हुए सिर, कि हर एक बच्चा आप समझ सकते हो उसको कैसा लग रहा होगा। और ये बहुत बाद में जाना कि उस समय गांधी वहाँ थे, और गांधी के आमरण अनशन के कारण ही वो इतना बड़ा जो दंगा, एक भयंकर घटना थी, वो थमी थी, जो फिर गांधी फिल्म में भी हम लोगों ने देखी और उसके बारे में पढ़ा भी। तो गांधी के प्रति आकर्षण तो बना ही रहा, और गांधी को के बारे में पढ़ना मैंने कभी छोड़ा नहीं। जहाँ जो भी मिलता है पढ़ता हूँ आज भी। दो कारण हैं उसके, दो बड़े कारण हैं, वो आप जानते हो कि एक तो आपको नैतिक बल मिलता है उनके किसी भी प्रसंग से, और उनकी दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसमें
से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपकी दृष्टि का विस्तार होता है, आपके अनुभव का विस्तार होता है, आप जानते हो, जान पाते हो कि अच्छा सृष्टि में ऐसी चीज़ें हैं और मनुष्य से उनका ये संबंध है या हो सकता है, और फिर इस पर आप थोड़ा बहुत सोचना शुरू करते हो। तो मैंने ये विषय इसलिए चुना कि गांधी की उस बहुत बड़ी दुनिया में एक दुनिया कलाओं को समर्पित रहती है, जिसके बारे में लोगों को भ्रम है कि गांधी का कलाओं से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। हमारे मित्र चित्र बहुत अच्छा है कि हमारे मित्र चित्रकार मित्र और लेखक मित्र सीरज सक्सेना यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने गांधी संग्रहालय के लिए गांधी पर एक संस्थापन भी किया था, उस पर मैंने लिखा भी था एक कार्ड जैसा जो उन्होंने छिपाया था। तो उनसे बात होने लगी तो सीरज को लगा कि शायद मैं इस पर बोलने वाला हूँ कि गांधी ने कलाओं की दुनिया को कैसे प्रभावित किया। तो मैंने सीरज से कहा वो विषय तो इतना बड़ा है कि उसको तो कई कई सेमिनार्स में भी नहीं छुआ जा सकता, क्योंकि गांधी पर तो इतनी जगह इतनी तरह से उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, उन पर नाटक हुए हैं, कई भाषाओं में वो लिखे गए हैं, उन पर फिल्में बनी हैं, उन पर कविताओं की तो संख्या ही असंख्य हो गई आप कह सकते हो। उसने खाली सोहनलाल द्विवेदी ही नहीं है, उसने कितने लोगों ने उन पर लिखा है, कितनी भाषाओं में, साहित्य में, साहित्य से उनका जो संपर्क रहा साहित्यकारों से भी वो थोड़ा ज़्यादा लोगों के ध्यान में आता है। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा इस पर बोलना चाहता हूँ कि सीधे सीधे गांधी कलाओं से कैसे जुड़े, और जो चीज़ हमारे भी ध्यान में अक्सर नहीं आती और बहुत गहराई से भी जुड़े, वो जुड़ना बहुत लाजिमी इसलिए था कि जिसको अब मैं समझ पाता हूँ कि अहिंसा का एक बड़ा अर्थ तो ये है कलाओं की दुनिया में, कोई हिंसक कला मैंने आज तक नहीं देखी सुनी। आप किसी कलाकार के बारे में नहीं कह सकते कि वो हिंसा पैदा करने वाला कलाकार, आप किसी संगीतकार के बारे में भी नहीं कह सकते, आप किसी नृत्यांगना के बारे में भी नहीं कह सकते, नृत्यकार के बारे में भी। तो यही तो हमारे कलाओं के रूप हैं, तो उनके तो मूल में अहिंसा है। तो अगर मूल में अहिंसा है हमारी कलाओं की दुनिया भर में, और ये बहुत बड़ी चीज़ मैं कलाओं की मानता हूँ, और मैं आपको सच बताऊँ मैं खुद जो आजीवन 50 वर्षों से कलाओं की दुनिया में हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि उसका एक बड़ा कारण ये है, वो मेरे स्वभाव के भी अनुरूप है, मैं उसको बहुत बड़ी ज़रूरत भी मानता हूँ। तो गांधी फिर कैसे अछूते रहे? दूसरा आग्रह तो कलाओं का भी रहता है सच्चाई के प्रति, कम से कम ये तो है ही ना कि वो एक कलाकार एक कवि चाहता है कि जो वो कहे वो खरा हो, वो सच्चा हो। एक बार मैंने कलाकार स्वामीनाथन से पूछा था, बहुत लंबा इंटरव्यू उनका किया 16 बैठकों में, और उनसे पूछा कि, और ये मानकर पूछा कि कोई बहुत बड़ा दार्शनिक उत्तर मुझे अब मिलने वाला है, तो स्वामी से मैंने कहा कि आप मनुष्य और कलाओं का क्या संबंध मानते हो? तो स्वामी ने तो पहले वो थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया, मुझे भाई की तरह मानते थे, छोटे भाई की तरह, प्रयाग ही कहते थे कि प्रयाग ये आप पूछ रहे हो, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आपका विचार क्या है। थोड़ी देर तक चुप रहे, वो इच्छा मैं भूलता नहीं हूँ, उन्होंने तो बीड़ी सुलगाई, बीड़ी पीते थे, उनके साथ मैंने ही बहुत सारी बीड़ियाँ पी, अब तो छोड़ दी, 18 साल हो गए। तो स्वामी थोड़ी देर बीड़ी सुलगाई, उन्होंने चुप रहे, फिर बोले कि अरे ऐसा ही तो संबंध है कि कला मनुष्य रचता है और मनुष्य को संबोधित है, कोई पशु पक्षी चिड़िया समुद्र नदी तो उसको समझ में आएगा नहीं, उसके बारे में हो सकता, सृष्टि की किसी भी चीज़ के बारे में रचना हो सकती है कलाओं के माध्यम से, पर जिनको लेकर वो हो रही है वो तो उसको नहीं समझेंगे, संबोधित तो मनुष्य को।
तो मैंने स्वामी से कहा, स्वामी मैं सब समझ गया, मैं आगे कुछ नहीं पूछूं। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं समझ गया कि स्वामी उसका और एक गहरा अर्थ क्या कर रहे थे। संबोधन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो संबोधन का अर्थ तो फिर यही हुआ ना कि अगर आप मनुष्य को संबोधित हो किसी भी रूप में, रचनाकार के रूप में, व्यक्ति के रूप में, तो अगर संबोधन खराब होगा तो वो हमारे काम का होगा। निजी जीवन में भी हम लोग जानते हैं कि रोजमर्रा जीवन में आज भी कि हम तुरंत समझ जाते हैं कि बात औपचारिक रूप से कही जा रही है, इसमें कोई झूठ का अंश है कि नहीं है, ये कितनी खरी है, वो उस आवाज़ से भी समझ में आती है जैसे कि गांधी की आवाज़ थी। तो वो क्या आवाज़ थी? वो खरी आवाज़ थी, वो अहिंसक आवाज़ थी गांधी की, वो खरी आवाज़ थी और वो सृष्टि की सारी चीज़ों को लेकर चलने वाली आवाज़ थी और निडर आवाज़ थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर और गांधी के संबंधों को हम जानते हैं और जब भी मैंने उसका अनुवाद भी किया है गीतांजलि का और इस कविता का भी किया है बंगला से ही, वो चित्त जहाँ भय शून्य मात हो उन्नत, घर की दीवारें बने न कोई काला आदि आदि जो उस कविता में आती है, तो लगा कि गांधी भी तो यही है, उसमें भी शब्दों पर सत्य के प्रति आग्रह का, खरे का वर्णन या कथन टैगोर भी करते हैं। तो ये दिलचस्पी मेरी आज की नहीं, ये भी बता दूंगा, जब मैं रत्नप्रसंग का संपादक बना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका का 1998 में अंक निकाला हम लोगों ने, करीब 2000 में तैयारी चलती रही, ये शायद 99 में, तो 2007 में मैंने देवेंद्र राजनपुर जो उसके निदेशक भी बने थे उस समय थे, तो मैंने अंकुर जी से कहा कि आप इतना पढ़ते हो और आपकी इतनी दिलचस्पी नाटकों में, तो आप जरा एक लेख हमारे रंग प्रसंग की के लिए इस पर लिखिए कि गांधी के परिप्रेक्ष्य में कलाएं। और अंकुर जी ने बड़ा एक सुंदर लेख लिखा है, उस लेख में जाहिर है वो दूसरे पक्ष का वर्णन ज्यादा है कि गांधी के प्रसंग से कितने नाटक लिखे गए हैं, कितने नाटक मंचित हुए हैं, कुछ और भी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये विषय मेरे मन में बहुत रहा है और इसके पीछे एक कारण ये भी बना जिसका मैंने अपने व्याख्यान में, लिखित व्याख्यान में उल्लेख किया है विस्तार से, कि ये मानिए और अचरज भी थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि गांधी का सीधा संबंध भी कभी कभी बना है कलाओं की दुनिया के लोगों से, जिनमें से एक तो नंद बाबू ही थे, नंदलाल बसु शांति निकेतन के, उनसे निजी संपर्क उनका बना था। और ये तो हम सब जानते हैं कि 1936 में जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी का ये आग्रह था कि नंदलाल बसु आकर उस पंडाल को सजाएं। तो उसमें एक किस्सा ये भी जुड़ा हुआ है कि नंद बाबू ने गांधी जी से वहां आकर पूछा, अपने छात्र छात्राओं को लेकर आए थे, कि कहां से किस कार्यकर्ता नेता से कहूं कि हमको मेटीरियल दे, सामग्री दे दे जिससे पंडाल बनना है। तो गांधी ने ऐसा दर्ज है, बहुत चकित सौंदर नंद बाबू की ओर देखा और कहा, नंद बाबू आप मुझसे पूछ रहे हो कि सामग्री कहां से आएगी, अरे आप कलाकार हो, आप सामग्री लाओगे, मैं कैसे, मैं तो कलाकार नहीं हूं, मैं क्या बताऊंगा। नंद बाबू ने भी जैसे स्वामी की बात में समझ गया था, नंद बाबू ने कहा मैं सब समझ गया। वो बाहर निकले, उन्होंने अपने छात्र छात्राओं से कहा कि जो भी आसानी से इस इलाके में ढूंढने को मिले, लकड़ी बांस वो सब ले आओ। तो ऐसा कहते हैं, ये भी दर्ज है कि हर पूरा कांग्रेस का जो अधिवेशन बना, पंडाल बना, वैसा पंडाल फिर कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन का कभी नहीं बना। और वो सब नंद बाबू
और उनकी छात्र छात्राओं का किया हुआ था। कपड़ा वगैरह जरूर वहाँ से किसी ने मुहैया कराया होगा, पर शेष सारी सामग्री कि बांस के खंभे हैं, कहीं लकड़ी है, कहीं घूस है, लेकिन बहुत सुंदर है। दूसरा प्रमाण जो थोड़ा अचरज में डाल सकता है, मुझे भी डाला है, कि एक लिखित कथन भी है गांधी का कलाओं को लेकर, और वो एक बड़ी अलगचित सी जगह में मुझे मिला। मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब खरीदी थी, गांधी बड़ी सुंदर किताब है, वो पढ़ने लायक किताब है। गांधी के पत्र अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के नाम, बड़े सुंदर पत्र। तो एक पुत्र में एक अपने एक पुत्र को और पुत्र वधु को गांधी लिखते हैं 5 दिसंबर 1927 को। इसमें गांधी कहते हैं, अब एक उदाहरण है जो मैं पढ़ूंगा। कला में स्वदेशी और परदेशी का भेद नहीं होता, किंतु उसके ब्रैकेट में सुशीला के इस कथन पर थोड़ा विचार करना उचित होगा। कला के संबंध में उथली दृष्टि से विचार करते हुए कला प्रेमी उसकी आड़ में बहुत से दोष छिपा देते हैं। अतः हम इस बात पर विचार करें कि कला किसे कहना चाहिए। ये गांधी कह रहे हैं, इस पर विचार करें कि कला किसे कहना चाहिए। जो कुछ भी हमारी आंख को रुचे वह सब कला नहीं है। ये भी देखिए गांधी कह रहे हैं, कितनी मर्म की बात। अनेक विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत कला भी कला नहीं हो सकती, उन पर भी भरोसा गांधी का नहीं और ठीक ही नहीं है। अनेक चित्रों तथा प्रतिमाओं के बारे में मुझे विश्वविख्यात कला समीक्षकों के भिन्न भिन्न विचार पढ़ने को मिले हैं, मतलब वो क्रिटिक्स को भी पढ़ रहे थे। अतः हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कला क्या है। कला क्या है नामक पुस्तक का अनुवाद हो गया है, लियो टॉलस्टॉय अपनी पुत्र वधु और पुत्र को लिख रहे हैं। यह पुस्तक सुशीला को पढ़ लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं अपनी पुत्र वधु से कि तुमको टॉलस्टॉय की लिखी हुई अंग्रेजी में जिसका नाम है व्हाट इज आर्ट, और जिसका वो बताते हैं कि इसका अनुवाद हो गया है हिंदी में, तो वो सुशीला को पढ़ लेनी चाहिए। यदि वहां यह पुस्तक उपलब्ध ना हो तो मुझे लिखना। 1927 में गांधी कला पर बाकायदे जो रिकॉर्डेड है ये कह रहे हैं। प्रसंग अनेकों हैं और वो इतने ज्यादा हैं कि मैं फिर इसको रिपीट करता हूं अपने लिए भी, कि मुझे भी बहुत अचरज में डाल देती। अब देखिए गांधी का संगीत पर भी आऊंगा, संगीत पर तो उनका बहुत गहरा सम वो भी दर्ज है, और नाटक पर तो फिर मुझे खुद गांधी के पास जाना होगा, कलाओं में गांधी के सिलसिले में। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ गांधी की आत्मकथा से, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, आप जानते हो सबने किताब पढ़ी होगी, मैं तो घर कई बार पढ़ चुका हूँ, और एक नियम ये भी बनाया है कि अब जरा इधर थोड़ा कम हो गया है कि इसकी प्रतियां खरीदता था, और युवा लोगों को जो कहते थे मैंने आत्मकथा नहीं पढ़ी उनको भेंट करता था, इसको पढ़ लो। गांधी लिख रहे हैं, इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। बचपन की बात कर रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ बाद में करता था। लेकिन मन अलसा जाता, इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में कोई दूसरी चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती अपने पाठ के अलावा, कोर्स के अलावा। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे, बायोस्कोप की बात कर रहे हैं। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है।
दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी लिखते हैं, मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। गांधी अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि उस ललित छंद को, श्रवण भक्ति नाटक के जो छंद था, उसको मैंने बाजे पर बजाना सीखी थी। बाजे का उल्लेख नहीं है, अब वो बांसुरी थी, हारमोनियम थी, हम नहीं जानते क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, शायद किसी ने रिसर्च की हो। फिर आगे लिखते हैं, मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। ये तो खोज करने पर शायद पता चल जाएगा कि वो बाजा कौन सा था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी, दूसरे प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूं, और उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी क्योंकि उसमें बच्चों को नाटक देखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था, उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यो बार बार कौन जाने देगा। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा, मैंने अपने मन में उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते। यह धुन बनी रहती, हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी हैं वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को, मन मानता है कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलें। ये तो माध्यम की बात है, और कितनी गहराई से खाली बायोस्कोप देख करके और एक नाटक का मंचन देख करके गांधी पर ऐसा प्रभाव पड़ा था। आगे उन्होंने और कोई नाटक देखा कि नहीं देखा हम नहीं जानते, शायद देखा है, फिल्म भी उन्होंने एक बार देखी है, संगीत तो बहुत बार सुना है। संगीतकारों से भी तो जाहिर हम तो जानते ही कि वे शुभ लक्ष्मी जी के प्रशंसक थे और वो उनको सुनते थे। संगीत पर भी गांधी ने बहुत लिखा है समय समय पर। वो एक आत्मकथा में मुझे वंश मुझे मिला भी था, मैं आज नहीं ला पाया, वो किसी आंदोलन के समय गांधी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए लिखते हैं कि संगीत की बहुत जरूरत है। तेंदुलकर जी वाली जो किताब है उसमें है एक एक खंड में। एक प्रसंग आपको और भी सुनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी कला पर। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधी के जीवन में तौलस्तॉय का पहला प्रभाव, बड़ा प्रभाव पड़ा था। तौलस्तॉय कितने बड़े लेखक हैं ये भी हम सब जानते हैं। ये सोचकर जरूर आज मुझे अचरज होता है कि तो मोबाइल का, गूगल का, कंप्यूटर का जमाना है, आज से कुछ साल पहले तक भी टेलीप्रिंटर ये सब आ ही चुका था। गांधी के ज़माने में, उस ज़माने में चीज़ें बहुत कम थी। कहाँ से तैरती भी वो कोई किताब, कोई विचार तौलस्तॉय का, गांधी को रूस से दक्षिण अफ्रीका तक पहुँचता है, उसको तो सोचकर थोड़ा अचरज होता है, लेकिन पहुँचता है। जिसके कारण मेरा मन ये भी मानना मानता है, और इन्हीं लोगों के कारण, कि विचारों की तरंगें होती हैं, उनमें मेरा बहुत गहरा विश्वास दिन पर दिन होता ही जा रहा है कि हम सब अपने अपने विचारों के अनुसार व्यक्ति ढूंढ लेते हैं, किताबें ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं वो कैसे बनती है,
ये केमिस्ट्री कैसे होती है कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्रमाण तो है इतिहास में कैसा हुआ था। अभी परसों एक किताब रिलीज होने वाली है, गिरधर राठी ने उसका अनुवाद किया है, मैंने आज ही मुझे वो किताब मिली है। निमित करके हंगेरी के बड़े नाटककार थे, उन्होंने वो किताब लिखी है नाटक गांधी की मृत्यु, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है राठी जी ने। अब आप सोचिए कहाँ हंगेरी, और उसमें एक एक घटना भंगी कॉलोनी की, नेहरू की, कौन मिलने आता है, फिशर के आने से शुरू होती है कि भंगी कॉलोनी में बहुत वर्षों बाद फिशर गांधी को मिलने आए हैं। ये तो एक उदाहरण है। खुद पिछले हमारे यहाँ इसलिए 20-30 बरस में अभी असगर वजाहत ने एक नाटक लिखा है, उसके पहले भी नाटक हैं मराठी में हैं, वह मंचित हुए हैं। वो फिर दूसरा प्रसंग है, इधर नहीं जाऊंगा, खाली ये याद कर रहा हूँ कि कैसे तरंगें लोगों तक पहुँचती हैं और उसके बिना पहुँचती रही हैं। खुद गांधी क्या थे, जितना पढ़ता हूँ अचरज होता जाता है कि कोई एक झलक पाता है उसकी दुनिया बदल जाती है, और कैसे उन्होंने किया था और कैसे वो होता था कि नहीं उसी समय वो व्यक्ति वहाँ मौजूद है, जैसे कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जी 16 साल की उम्र में एक जगह मौजूद हैं कर्नाटक में, और गांधी आते हैं और उनको वो सुनती हैं और उनका जीवन बदल जाता है। तो ये भी तो होता है कि आप कहीं और जाने के हो रहे होते हो, उस समय आप उधर चल पड़ते हो जहाँ वो सभा हो रही है, और आपको कुछ मिल जाता है। गांधी के जीवन में तो बहुत हुआ है, खुद उनके साथ हुआ है, और फिर वो तो हुआ ही, जो उसके तो इतने ढेरों प्रसंग हैं, थोड़ा सा विषयांतर कर लेता हूँ क्योंकि वो भी कला है और उसको बहुत बड़ा उदाहरण है वो गांधी का, इसलिए भी इसकी याद कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने किताब पढ़ी, गांधी एट फर्स्ट साइट, बड़ी सुंदर किताब है, टॉमस डेकर ने इसका संपादन किया है। उसमें कई व्यक्तियों का के संस्मरण दर्ज हैं कि गांधी से पहली बार पहली नज़र में गांधी को देखकर कैसा लगता, बड़ी सुंदर किताब है। उसमें एक प्रसंग TSS राजन का है, जो डॉक्टर थे, और तब जब गांधी से उनकी लंदन में मुलाकात हुई तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, और उस समय ये बात शायद 1930 के आसपास की, नहीं और पहले की, एक दो ये है 1907 की शायद। तो कुछ छात्र मिल करके वहाँ उन्होंने अपना एक मंडली बना ली है, और जब भी कोई आता है भारत से जिनको लगता है कि उनको सुने आज़ादी की लड़ाई के बारे में और उनको खबर मिलती है, तो उसको आमंत्रित करते हैं अपनी सभा में। तो इन लोगों को पता चलता है कि गांधी आने वाले हैं। अच्छा, गांधी का तब तक इतना ही नाम हुआ है कि वो दक्षिण अफ्रीका में सब कर चुके हैं, और अंग्रेजी प्रेस में भी लंदन में भी कुछ उन पर छपने लगा। फिर लड़के उनके पास जाते हैं, जिनमें TSS राजन भी एक हैं, जो बाद में फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तमिलनाडु में कुछ बड़े पदों पर भी रहे, राजा जी के विश्वास पात्र बने, गांधी तो उनको बहुत चाहने ही लगे थे। उसमें उनकी उम्र कितनी रही होगी, शायद 23-24 रही होगी TSS राजन की। तो सवा सौ लड़के लड़कियां तय करते हैं कि हाँ, हम गांधी को बुलाएंगे और हम साथ भोजन करेंगे, फिर उसके बाद एक सभा रखेंगे, पहले भोजन करेंगे फिर सभा रखेंगे, गांधी बोलेंगे। तो ये गांधी के पास जाते हैं, तो गांधी कहते हैं मैं जरूर आऊँगा, पर मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि वो भोजन शाकाहारी होगा। अब ये लड़के थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि लंदन में उस समय तो, अब तो शायद बहुत सारी व्यवस्था हो जाएगी शाकाहारी भोजन की लंदन में, उस समय तो ऐसा था नहीं, तो चिंतित होते हैं कि इतने लोगों का खाना हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे, क्योंकि वो तो जाहिर है कि हम जानते हैं यूरोप काफ़ी मांसाहारी है। तो फिर ये लोग मान जाते हैं कि नहीं, हम लोग कर लेंगे, हम गांधी ने तैयार कह दिया तो हम कर लेंगे। एक हॉल बुक करते हैं, और हॉल के नीचे जो किचन होता है उसको कहते हैं कि हम
ये दिन भर के लिए हमारे पास हमको दे दिया जाए हॉल के साथ। तो उसमें से कुछ लड़के जो खाना बनाना जानते हैं वो अपने को वॉलंटियर करते हैं कि मैं हम खाना बनाने में मदद करेंगे, हम परोसेंगे, हम बनाएंगे। तो काम शुरू कर देते हैं 10-11 बजे। 2 बजे करीब देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है जो भारतीय है, और वो चूँकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्लेटें हैं, सब्जियाँ हैं, तो वो सब्जी काटना छीलना शुरू कर देता है। तो बड़े खुश होते हैं उसके काम को देखकर कि तो बड़ा तेज लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। और अब लड़के अपने उत्साह में कि अब कम काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारा काम उस पर बढ़ाते जाते हैं। तो जब सारा काम उस पर बढ़ाते जाते हैं वो करता जाता है, वो सब्जियाँ धोता है, वो सब्जियाँ काटता है, वो कोई प्लेट जूठी पड़ी उसको भी साफ करता है। अब इन लोगों का तो आनंद हो गया, उसमें से बैठ ही जाते हैं। लिखा है राजा ने कि अब तो छुट्टी हुई हमारी जी, बहुत अच्छा हो गया। 2 बजे करीब मिस्टर नायर करके वो आते हैं और चकित हो जाते हैं कि गांधी खाना बना रहे हैं। उन लड़कों ने कभी तस्वीर नहीं देखी गांधी की, कभी मिले नहीं, वो गांधी स्वयं। गांधी को अंदाजा हुआ कि इन पर ऐसी बड़ी शर्त लाद तो दी है, अरे लड़के तो शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर पछताएंगे, तो चलो मैं ही कुछ मदद करता हूँ। आज कला भी कोई चीज होती है, उसका प्रमाण भी गांधी दे चुके हैं। इस घटना को पढ़कर मैं वाकई अंदर से बहुत आंदोलित हुआ, और बल्कि इसको अलग से लिख डाला है कि वो कहीं छप जाए। तो अब ऐसे व्यक्ति के बारे में उसमें पाकला भी शामिल हो गई। सफाई की आज बात इस तरह हो रही जैसे पहली बार किसी ने स्वच्छता अभियान चलाया हो। गांधी का तो शुरू से रहा है स्वच्छता अभियान का, और स्वच्छता और कलाओं का कितना गहरा संबंध है, इसको लेकर मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। वो वैसे विषय से सीधे जुड़ी हुई भी है। मैं और मेरे चित्रकार मित्र नवोदय विद्यालय समिति के निमंत्रण पर 2000 के आसपास कर्नाटक गए थे। नवोदय विद्यालय समिति ने एक बार हम लोगों को बुलाया था कुछ कार्यशालाएं आप लोग हमारे लिए करें, तो उन्होंने जतीन से कहा, जतीन तैयार हो गए कि हम करेंगे। फिर जतीन ने कहा अगर प्रयाग रहेंगे मेरे साथ तो मैं करूँगा। मैंने कहा आप जहाँ कहो मैं आप साथ चलूँगा। तो बोले ऐसा है कि ये कविता कार्यशाला करेंगे, मैं चित्रों की कार्यशाला करूँगा, और जगह आप लोग बता दो, नवोदय विद्यालय तो पूरे देश में है। तो मैंने कहा हम, मेरे ऐसे ही मन में इच्छा हुई कि हम अनंत मूर्ति जी के इलाके में जाएं, शिमोगा। तो हमने कहा कि शिमोगा में हम जाएंगे, तो वहाँ जहाँ पर नवोदय विद्यालय है वहाँ मैं और जतिन पहुँच गए। तो जतिन ने, मैं तो थक गया था यात्रा के बाद, तो जाकर थोड़ी देर, बहुत सुंदर गेस्ट हाउस था सिंचाई विभाग का, बगल में एक बांध जैसा था, खूब पानी था, मैं देखकर ही प्रसन्न हो गया। बाहर खूब हरियाली थी, पर थका था। तो मैंने जतिन से कहा कि खाने से पहले मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। जतिन ने कहा हाँ आप आराम करो, तब तक मैं भी देखता हूँ। जतिन अपने कमरे में गए, 15-20 मिनट बाद लौटे, मुझसे बोले कि प्रयाग कुछ आपको ठीक लग रहा है? और मैं तो थका हुआ था, लेटा था। मैंने कहा ठीक है, अच्छा प्रबंध है, गेस्ट हाउस बड़ा अच्छा है। तो बोले नहीं तुम उठो। तो मैं उठकर बैठ गया, उनका पता नहीं क्या हुआ। तो जितिन ने पहले तो वो चादर उठाई बिस्तर से, तो नीचे के गलीचा उठाया, मुझे दिखाया जिसमें टनों मिट्टी जमा थी। मेरे तो होश उड़ गए। अच्छा मैं तो, जतिन ने कहा कि अब तो देखो हम भोजन तो बाद में करेंगे। फिर उन्होंने जो वहाँ के केयर टेकर थे, वो 3 ही लोग थे, रात का समय था, जतिन ने बुलाया, कमरे को धुलवाया, चादरें बदलवाईं, और सबने करीब 10 बज गए, 10-11 शायद बज गए। उसके बाद हम लोग बैठे बाहर, अच्छी रात थी, शायद चांदी रात थी, उजाला था। जतिन ने कहा यहाँ भोजन लगाओ हमको। दूसरे दिन की घटना ज़्यादा मर्म भरी है। तो हम प्रिंसिपल को मिलने गए कि अब हम आ गए, आप बताइए क्या करना है। तो जतिन उसे कमरे में, दृष्टि में कभी नहीं भूलता, उन्होंने जो कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे वो उठाए, जेब में भरे जान बूझ कर,
कि कोई बुरा काम तो दिख नहीं रहा। प्रिंसिपल की जो अलमारी होती है हमारे यहाँ, जानते हो उदय विद्यालय का प्रिंसिपल, उसमें जिसमें चिपका रखा है, लटका रखा है, जतीन ने सब उखाड़ा। अब प्रिंसिपल फिर खड़ा हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। तो जतीन ने कुछ बोले नहीं। तो फिर जतीन ने कहा उनसे कि बाहर पहले हम लोग देख चुके थे, वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बेंचे नहीं थी, हरियाली भी नहीं थी इस विद्यालय में, उदय विद्यालय में। तो मालूम हुआ कि ये पानी जो आता है बारिश में वो यहाँ नहीं रुक पाता, बह जाता है, नालियाँ बनवानी पड़ेंगी उसके लिए आ गया। तो जतीन ने कहा प्रिंसिपल से कि आपके पास फंड है? नहीं। उन्होंने कहा कि आप कहाँ कार्यशाला लोगे? तो जतीन ने कहा वो तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले मैं इस स्कूल की सफाई करूँगा। अब मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जतीन के साथ मैं भी जुट गया। और जो कला शिक्षक मुझसे उम्मीद लेकर आए थे कि प्रयाग शुक्ला आए हैं, इनका तो हमने कुछ नाम भी सुन रखा है, कई ने सुन रखा होगा, और वो हमारी कुछ हमसे कुछ बताएंगे कला के बारे में, मैं भी उनकी ओर मैंने देखना ही बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वो जतीन के अभियान में शामिल नहीं थे। जतीन ने पहले दिन ही कहा प्रिंसिपल से, हाँ पहले शाम उस सब घटना के बाद, बैलगाड़ियाँ मिलाइए दो। तो दो बैलगाड़ियाँ आ गई। तो जतीन ने कहा प्रार्थना सभा के बाद कि आप लोग इसमें भरिए, जो जो भी आपको कूड़ा दिखाई पड़े कैंपस में। लड़कों का तो आनंद आ गया, तो दौड़ दौड़ के भरने लगे। उसके बाद उसमें गोली जली उसकी, और तो वो लड़कों को उसमें और भी आनंद आया। अब लड़के तो हमारे साथ जुड़ गए। फिर एक दिन मैं कला शिक्षकों के पास गया, मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा कि ये व्यक्ति, ये कलाकार, देश का एक बड़ा कलाकार, वो क्या कर रहा है? आप अलग बैठे रहते हो, प्रतीक्षा में कि प्रयाग शुक्ला आएंगे तो कुछ बोलेंगे, और आप देख रहे हो कि मैं खुद उनके साथ लगा रहता हूँ। जतीन ने एक हफ्ते को 15 दिन किया, उस स्कूल को पूरा बदल डाला। प्रिंसिपल से पहले ही दिन कहा कि जो म्यूरल की अपेक्षा मुझसे की गई है वो मैं इस गंदे वातावरण में नहीं बना सकता, मैं म्यूरल बनाकर चला जाऊंगा, यहाँ चारों ओर इतनी गंदगी होगी तो उस म्यूरल का क्या अर्थ होगा। अंतिम दिन जब व्हाइट वॉश हो गया, कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए, फ्रेंड्स आ गए नवोदय विद्यालय के कहीं रुके हुए, स्कूल बदल गया, उस स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल हैदराबाद से आई ये खबर पा करके कि ये वहाँ पर बड़ा अभियान चल गया है, लड़के लड़की लड़कियाँ साथ हो गए, झूले बने, बेंचें बनी। 15 दिन के भीतर जतीन ने वेल्डर्स को जोड़ा, कुछ हम लोगों ने अनंत मूर्ति जी का नाम को भी उसमें शामिल कर लिया कि सब देखिए उनकी मूर्ति, आप उनकी उनका चित्र लगा हुआ था प्रिंसिपल कमरे में, अनंत मूर्ति जी का, जब वो खुद जीवित थे अनंत मूर्ति तब। तो ये सब हुआ। उस दिन से मेरी ये बात और ज़्यादा समझ में आई कि सचमुच ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो आप देखो तो गांधी कितना कला से जुड़े हुए थे। इस घटना के बाद जतीन के बारे में मेरी दृष्टि बदल गई, मैं उसको एक बहुत बड़ा आदमी मानने लगा। और ये जिसकी चर्चा अभी की अतुल कुमार जी ने दुनिया मेरे आगे की, ओम ने ही वो टिप्पणी छापी थी जब मैंने कर्नाटक से लौटकर इस प्रसंग पर थोड़ा सा लिखा था दुनिया मेरे आगे में कि जतीन दास और मैं यहाँ आए हैं नवोदय विद्यालय में और हम ऐसा कुछ देख रहे हैं। अब कुछ छोटे छोटे प्रसंग। आभूषणों का जिक्र भी यहाँ हुआ था, आभूषण और साड़ी के ही प्रसंग में, क्योंकि गांधी ने कुछ उपहार अपने एक किसी पुत्र या पुत्रवधू के विवाह में लौटा दिए थे, आग्रह किया था कि मेरा तो विचार है कि इनको लौटा देना चाहिए। उस पर सरोजनी नायडू ने कहा था, अच्छा रेशमी साड़ी लौटा रहे हो, वो एक दूसरी तरह की व्यक्ति थी, तो हमको दे देना। गांधी एक घटना का जिक्र करते हैं। हम लोग रोमा रोला के निवास पर गए थे, उन्होंने सोचा कि हम में से हर एक को उस अवसर की याद में कुछ ना कुछ दिया जाए, और ऐसा लगता है कि मुझे क्या दिया जाए, इस पर उन्होंने अपनी बहन से रात भर विचार विमर्श किया। किताब या ऐसी कोई अनुपयोगी चीज पर उनका ध्यान पता नहीं क्यों नहीं गया, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मामूली मगर बड़ी ही कलात्मक डिबिया, कलात्मक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे भेजी।
यह डिबिया शायद सुगनी रखने की थी। मेरे लिए तो यह एक अमूल्य निधि है, इसलिए यह विद्यापीठ संग्रहालय में रखी जाएगी। संग्रहालय के जिक्र भी क्यों, वहां रखी जाएगी। निश्चय ही एक छोटी सी डिबिया स्वीकार करने में संकोच की कोई बात नहीं थी, गांधी कह रहे हैं। मैंने इस सुंदर घटना का उल्लेख इसलिए किया, अब अपनी ओर से कह रहा हूँ कि मैंने इस सुंदर घटना का उल्लेख इसलिए किया कि यहाँ उसका उल्लेख उपयुक्त है और मैं जानता हूँ कि इससे आपको खुशी होगी। सॉरी, मैंने नहीं, गांधी के इसमें। साथ ही मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उससे भी इसे बल मिलेगा। एक छोटी सी घटना से वो अपनी कला दृष्टि ही बता रहा है कि चीजें कलात्मक, और वो शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे ही हो कि अगर उपयोग में ना आ रहे हैं तो संग्रहालय में रखे जाने लायक। अब मैं आपका और अधिक समय न लेकर, क्योंकि हम अपने अध्यक्ष उनको भी सुनना चाहेंगे, अंत में गांधी की कला संगीत संबंधी विचारों पर आना चाहता हूँ। संगीत को लेकर भी गांधी के कुछ मर्म भरे प्रसंग हैं। 3 फरवरी 1924 को नवजीवन ने महादेव देसाई द्वारा लिखे लेख में इनका जिक्र है। एक रात बाबू, ये महादेव देसाई लिख रहे हैं लेख में, एक रात बाबू के कमरे में मंद मंद संगीत चल रहा था। पास जाकर देखा तो बाबू धीमे धीमे गा रहे थे और पास बैठकर गाने वाले को कड़ी पूरी करके दे रहे थे कि जो अगली कड़ी आने वाली है वो ये है, अब की टेक हमारी राखो गिरधारी। ये भजन था जो अस्पताल के बिस्तर पर लेते हुए गांधी गा रहे थे और उसकी अगली कड़ियां उस गाने वाले को जो उनको बैठ कर सुना रहा था उसको बताते जा रहे थे। उसने पूरा दिया हुआ है जो मेरे पास इस समय नहीं है उसका, ये मानकर चल। और ये चीज़ मुझे भेजी अफलातून ने, अफलातून ने अभी हाल ही ये जानकर थे कि मैं इस विषय पर बोलने वाला हूँ, उन्होंने मुझे पूरा प्रसंग भेजा है और मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। दूसरा प्रसंग क्या है जो फिर महादेव भाई की देसाई की डायरी में है, दर्ज है उनके हस्तलेख में। बंगाल के जो बड़े नाटककार थे आप जानते हो, विजेंद्र लाल राय, उनके पुत्र के पुत्र दिलीप कुमार राय जो संगीतकार हुए, तो दिलीप कुमार राय से गांधी की भेंट हुई। दिलीप कुमार ने कहा, महात्मा जी, पाठशालाओं और विद्यालयों में संगीत की बड़ी अवहेलना हुई है। बापू बोले, हाँ मेरी भी तो यही शिकायत है। अब दिलीप कुमार राय अचरज में पड़ गए। बापू, मैं तो अब तक यही मानता था कि आप संगीत जैसी सभी ललित कलाओं के विरुद्ध होंगे, परंतु आज आपकी राय सुनकर मुझे खुशी हुई है। संगीत के विरुद्ध मैं, गांधी कहते हैं, गांधी जी बोले, संगीत के विरुद्ध मैं, माना उनके साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे बारे में लोग कई तरह के गप्पे हाँकते हैं जिनको रोकना अब असंभव हो रहा है मेरे लिए, कि मदंतियां जो फैलती हैं कि गांधी को कलाओं से क्या लेना देना। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं कला कोविद हूं, अपने को कहते थे कि मैं कला कोविद हूं, तो सबको हंसी आती है, कोई उसे विश्वास नहीं करता। यह प्रसंग महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी में दर्ज है। तो अब आप देखिए गांधी का सबका जब जब कलाओं से, कलात्मक वस्तुओं से हुआ, कलाकारों से हुआ, तो उसमें एक गहराई थी,
उसमें एक समझ थी, उसमें एक दृष्टि थी। जितने प्रसंग मैंने आपको बताए, कुछ पढ़कर भी सुनाए, उनमें ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए इसमें कोई अचरज की बात तो है ही नहीं कि फिर गांधी ने पलट कर दुनिया भर की कलाओं को प्रभावित किया। वो तो अथाह है, उसकी जानकारी अगर ये मैं कहूँ कि 100 में से उसकी 1% मुझे है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विशाल है और वो नए नए अर्थों में खुलती रहती है, नए नए प्रसंगों में जो हमको पढ़ने को मिलते हैं। अभी इसी किताब में जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, गांधी एट फर्स्ट साइट, एक बड़े मूर्ति शिल्पी डेविडसन, जिनके पीछे लोग भागते थे कि वो हमारा बस्ट बना दें, बड़े बड़े राजनेता, उनकी ये इच्छा होती है, उन्होंने खुद लिखा है, वो तो उनका लिखा हुआ पीस है, उनकी इच्छा हुई कि मैं गांधी का बस्ट बनाऊं, गांधी की ये प्रतिमा। गांधी लंदन आते हैं, वो गांधी से समय लेते हैं, गांधी हंसकर इतना जरूर कहते हैं कि भाई इतना समय तो आपको मैं नहीं दे पाऊँगा कि मैं इसमें बस्ट बनाने में, मूर्ति गढ़ने में, किसी व्यक्ति की आप जानते हो कि एक नकेट बनता है, इसकी कोई आपको साथ बैठना जरूरी होता है, वो व्यक्ति चाहता है कि आप, पोर्ट्रेट के लिए भी होता है कई बार, पोर्ट्रेट के लिए भी कहते हैं आप बैठो, जैसे कि हुसैन ने मान ली नेहरू का पोर्ट्रेट बनाया तो नेहरू थोड़ी देर बैठ कर होते। तो गांधी कहते हैं, लेकिन वो कहता है आप ये ना करो, मुझे अलग से समय मत दो, बस मुझे अपने पास रहने की अनुमति दो। तो गांधी उसे इशारों में कहते हैं कि अब तुम एक खतरा मोल ले रहे हो। तो व्यक्ति, वो मूर्तिकार, कई बार प्रयत्न करता है गांधी की, जहाँ वो बोल रहे होते हैं, जहाँ वो लोगों से मिल रहे होते हैं। अब चूंकि उसको अनुमति मिली हुई है, इसलिए उनको भी रोकता भी नहीं है कि इसको बैठने देना है गांधी के पास, वो सफल नहीं हो पाता। वो गांधी को देखता है, पर एक बस्ट बनाने के लिए जैसा एक स्थिर चित्र चाहिए उसको, वो उसको नहीं मिल पाता। फिर कोई उसको सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करो, हाँ फिर बनाता है, वो टूट जाता है बड़ा करके, क्योंकि कोई कहता है बड़ा करके बनाओ, वो किसी कारण बस मटीरियल से ये कुछ नहीं, टूट जाता है। उन जैसे प्रसंगों के कारण एक क्रांति फैलाई गई। आप उसको चाहो तो, मैं तो उसको दुष्प्रचार तक कहने को गांधी की ओर से तैयार हूँ कि भैया मैं कलाओं के साथ हूँ, तो आप कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ, तब गांधी के पास समय नहीं रह गया। और इसीलिए उन्होंने एक प्रसंग में कहा था कि कला के पास, कला के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। तो वो अवकाश नहीं है, वो क्यों नहीं था, उसके इतिहास को तो मैं क्यों दोहराऊंगा, तो आप सब जानते हो कि फिर वो जिन चीज़ों में उतर पड़ते हैं और रात दिन उसी में रहते हैं और इस तरह से रहते हैं कि हम जैसे व्यक्तियों को तो अचंभा हो, जो थोड़ा सा काम करके मान लेते हैं कि अरे आज से बहुत कर लिया, कि गांधी रूमा रोला के यहाँ पहुँचते हैं और तय है कि रात को प्रार्थना सभा होगी 4 बजे और इतने बजे वो सोए हैं और कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद की गई है कि वो घंटे भर के बाद आ जाएंगे और चार्ली चैपलिन उनसे मिलने आए हैं, तो भी यही हालत है कि वो एक प्रार्थना सभा छोटी सी जैसा वो करते थे वो हो रही है, वो लोगों से बात भी कर रहे हैं थोड़ी देर में, वो चैपलिन थी और भी मुखातिब हैं। चैपलिन ने भी लिखा है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी से क्या पूछूँ। बहुत हिम्मत करके वो ये पूछते हैं, हिम्मत नहीं, बहुत सोच करके पूछते हैं कि आप मशीन के खिलाफ क्यों। तो फिर गांधी उत्तर देते हैं, वो उतना ही कलात्मक और उतना ही उपयोगी है आज भी। तो हजारों प्रसंग हैं, फिल्मकारों से मिलने के, नाटककारों से मिलने के, मूर्ति शिल्पियों से मिलने के, साहित्यकारों से मिलने के, वो दर्ज भी हैं। पर ये काम की चीज़ें जो मुझे लगती हैं बहुत काम की, वो ये हैं जिनका आपसे मैंने साझा किया, जो स्वयं प्रमाण है कि गांधी कलाओं में कितना बैठे हुए थे, उसकी कितनी समझ रखते थे, कि
क्योंकि जब से मैंने ये पढ़ा सुशीला को और मणिलाल को लिखते हुए पत्र पढ़ा मैंने कि मैंने कला समीक्षकों को पढ़ा है और गांधी कितना पढ़ते थे हम सबको मालूम, अब जिसको भी उन्होंने पढ़ा उसका नाम नहीं ले रहे। अब मेरा ये मानना है कि अभी आनंद कुमार स्वामी का जिक्र यहाँ हुआ था जिनकी किताब डांस ऑफ शिवा एक तरह से संदर्भ ग्रंथ आदि मानी जाती है भारतीय कला के संदर्भ में, उसमें वो भी कहते हैं कि मैं कला और हस्तशिल्प में ग्राफ में कोई बड़ा भेद नहीं मानता और भारतीय कला दृष्टि बराबर से कहती रही। गांधी इसी के तो वो भी आप कह लो इसी को तो भी मानते थे। हमारे मित्र रतन थे आप देश के बड़े नाटक का, तो एक बार मैं इम्फाल गया दो बार गया हूँ तो उन्होंने कहा मुझसे पूछा कि तुमने लोकताक झील देखी, मैंने कहा नहीं, बोले रहे तुम इम्फाल आए लोकताक झील नहीं देखी, कल ही व्यवस्था करता हूँ। तो एक जीप आ गई, फिर उन्होंने एक शर्त रखी, बड़े लोग ऐसा कुछ सिखाने के लिए उनके अपने तरीके होते हैं कि तुम वहाँ जाना लोकताक झील में और फिर शाम को वहाँ से लौटते हमारा जो हस्तशिल्प का म्यूजियम है वो देखना। मैं गया तो वहाँ देखा कि नावें हैं, बड़ा अच्छा लगा कि स्त्रियाँ नावें चलाती हैं वहाँ और आपको जैसे केवट टूटता है तो वो आपसे जो भी मजदूरी भी आप उसी को देते हो, उसने घुमाया हम लोगों को। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ बाल्टियाँ हैं प्लास्टिक की सारे तरह सामग्री दिखाई पड़ी, जो भी था टोकरी थी जो भी थी। फिर शाम को हस्तशिल्प वाला संग्रहालय देखने गया जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। मैं उसमें प्रवेश करता हूँ और आँखें जैसे आप कह सकते हो कि अचरज से भर जाती हैं, इतनी सुंदर चीज़ें और बांस की और वो जूट की और लकड़ी की बनाई हुई और तरह तरह की टोकरियाँ और बड़ी मछली इसमें रखी जाएगी छोटी मछली इसमें रखी जाएगी और सज्जा की ये वस्तु ऐसी होगी, गजब है वो संग्रहालय। तो मैंने शाम को फिर रतन जी से भेंट हुई, रतन जी से मैंने कहा कि मैं सब समझ गया हूँ कि आपने मुझे ये क्यों कहा था कि आप वहाँ से लौटते ही हमारा संग्रहालय देखना। तो रतन जी ने कहा कि हाँ मुझे मालूम था कि अब ये सारी उपयोग की वस्तुएं जो हमने अपने बचपन में जिनका उपयोग किया है अब आप नहीं देख पाओगे चाहे आप लोकताक झील भी चले जाओ, इसलिए मैंने कहा था कि आप देखो। तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ, इतने ध्यान से आपसे मैंने बातें साझा की और मेरा जीवन भर दोहराने में बड़ा विश्वास रहा क्योंकि दोहरा करके ही हम चीज़ों को अपने लिए याद रख पाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें करता है तो कंठस्थ भी करता हूँ अभी भी करता हूँ। तो उसका एक लाभ ये होता है कि फिर से वो आपके मन में कहीं बैठती है, तो आज आपके सामने बहुत सी बातें दोहराई तो दोहराने का एक लाभ मुझे हुआ। उसके लिए मैं आयोजकों का और जन परिषद का अतुल कुमार जी का और हमारे जैन साहब का बलबीरी जैन जी का बहुत आभारी तो मैं उनका भी हूँ जो आज के अध्यक्ष हैं और उन्होंने क्योंकि उनके यहाँ बैठे रहने से भी मैं बताऊँ आपको ऐसा कुछ चीज़ें आपको बल देती रहती हैं तो वो पहुँचता रहा, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ और आप सबका भी आभारी हूँ। कलाओं की दुनिया में गांधी, इसके माध्यम से प्रयाग जी ने हम सबके बीच एक ऐसे गांधी को प्रस्तुत किया है जो आम धारणा से अलग पूरी तरह से कला के क्षेत्र का, कला के विभिन्न विधाओं के क्षेत्र का गांधी है और प्रयाग जी ने उनकी कला के विभिन्न विधाओं में गांधी का उद्धरण देकर गांधी के वहाँ पर उनके सरोकार बताकर उसको पूर्णता एक पूर्ण गांधी कलाकार गांधी के रूप में प्रस्तुत किया है। एक तो जो बहुत मार्के की बात कि हिंसात्मक
कला कहीं नहीं देखी जाती है, कहीं देखी नहीं गई है। कोई कला का व्यक्ति हिंसा की बात कभी नहीं करता है। मुझे इसमें एक उदाहरण याद आता है जो अक्सर दिया जाता है कि बड़े गुलाम अली खान ने कभी, उनका एक कोट चलता है अक्सर, कि उन्होंने कभी कहा था कि अगर हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान माने जो अविभाजित भारत था उसका, हर घर में अगर एक संगीतकार या कलाकार होता, हर परिवार में एक, तो भारत विभाजन नहीं होता और दंगे में इतने लोग जो 10 लाख 15 लाख लोग मारे गए थे वो घटना नहीं होती। तो ये उसी बात को, गांधी में अगर अहिंसा का भाव रहा है तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं उनकी जो कला के प्रति दृष्टि रही है वो भी बहुत मायने रखती है। इस बात को प्रयाग जी ने हम सबके बीच रखा, इसके लिए हम फिर एक बार कृतज्ञ हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब थानवी जी अपने अध्यक्षीय भाषण में इसको एक तरह से पूरक जो कुछ और है उसको समृद्ध करें। उन थानवी जी, प्रयाग जी ने पूछा कि ज़्यादा मैं लंबा तो नहीं बोला, मैंने कहा नहीं अभी तो दिल भरा नहीं। प्रयाग जी को सुनते जाएं जी भरता नहीं है, इतनी छवियां, इतने विविध रूप गांधी जी के उन्होंने छुए। मुझको अगर कहा जाता कि आपको गांधी और कलाओं पे बोलना है तो मैं शायद आपसे पूछता कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो क्यों गांधी को, गांधी के जीवन में कला नहीं थी, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, किसी के जीवन में भी जो है वो कला ना हो, लेकिन जिनका काम कुछ और था, जिनका दार कुछ और था, उनके जीवन में आप कलाओं की भूमिका, कलाओं की जगह की तलाश क्यों करना चाहते हैं। कई बार ये बहस आज भी बरसों से हमारे मित्र कहते थे गांधी को सिनेमा की समझ नहीं थी, गांधी को पेंटिंग की समझ नहीं थी, जरूरत क्या है, नहीं थी, न थी या थी, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि गांधी जी का जो जीवन है वो अपने आप में कला ही था, कला का रूप था। गांधी की पूरी मूर्त आप देखें वो अपने आप में एक कला था, और जिसको कला का फॉर्म कहते हैं, गांधी जी की भाषा वो अपने आप में दूसरों को एक प्रेरणा देती है कि आप किस तरीके से छोटे वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे गांधी जी का भाषा विज्ञान के बारे में क्या विचार था, इसकी जरूरत नहीं है, आपको गांधी जी से विचार मिलता है। गांधी कला सौंदर्य शास्त्र हमको देती है, देखने की खूबसूरती की समझ देती है, कोई भी कला। गांधी जी से आपको सौंदर्य की दृष्टि नहीं मिलती। रजनीश, आचार्य रजनीश या ओशो या जो भी आप कहिए, वो गांधी जी के बड़े विरोधी थे, वो बहुत, आपको बताइए ऊटपटांग किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते थे, कभी कभी काम की बात भी करते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं गांधी जी का विरोधी हूं, लेकिन खादी में जो सौंदर्य शास्त्र है वो किसी चीज में दुनिया में नहीं है, कि खादी में, और ये है सच्चाई, ये है कि आप दुनिया भर के कपड़ों की जो रेख है, दुनिया के जो छापे हैं उनकी बनावट है, और उसमें जो खद्दर की जो बनावट है वो चीज ही अलग है। चरखा जो है उस पर तो उन्होंने खुद ही, जब रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में एक पत्राचार चला तो वो तो चरखे पर लंबा लेख लिखा कवि गुरु ने, और उसमें गांधी जी की आलोचना की। गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने कहा कि इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है, आलोचना जो है, मुझे कहा गया कि आलोचना की है, हालांकि उनकी चिट्ठी पहले आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, मैं तभी समझ गया था कि कुछ वो लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आलोचना करनी चाहिए। लेकिन उस पर जब गांधी जी ने जवाब लिखा, उसमें चरखे के संगीत को लेकर के जो कहा गया है वो पढ़ा जाना चाहिए, कि चरखा भी उनके लिए इस तरह से एक कला का रूपक था। दूसरी बात, गांधी और कलाओं पे बात करते हुए इस ढंग से भी देखा जा सकता है कि गांधी जी ने कलाकारों को कितना किस रूप में प्रभावित किया, न कि इस रूप में देखना कि गांधी जी के अपने जीवन में कितनी कलाएं थी, किस अनुपात में थी, कौन कौन सी कलाएं थी वगैरह। गांधी जी को लेके जितनी चित्रकृतियां बनाई गई होंगी मेरे ख्याल में कम
महापुरुषों के बारे में बनाई गई होंगी। हमारे यहाँ तो जितने आप हुसैन साहब का नाम ले लीजिए, आप मनु पारेख का नाम ले लीजिए, आप वो ढेरों म्यूरल भी, कलाकृतियाँ भी, कितने नाटक लिखे गए हैं, अच्छे बुरे जो भी हों, कितने उपन्यास लिखे गए हैं, कितने साहित्यकार कलाकार उनके जीवन से प्रेरणा ले चुके हैं। जैनेन्द्र कुमार जी ने पूरी किताब लिखी, अज्ञेय जो भगत सिंह के साथ में थे, अंत बाद में गांधीवादी हो गए थे, साफ साफ ही बल्कि वो कहते थे, बल्कि मैं तो गवाह हूँ, मुझे एक बार उन्होंने अपने घर में कहा भी था, मैंने उनको पूछा था कि आप गांधी जी से मिले थे कभी, तो उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त तो सोच भी नहीं सकते थे, अगर गांधी हमको देखते तो मारने को दौड़ते, ये शब्द गांधी उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझको लगता है कि गांधी जी का रास्ता ठीक था ये, पर बाद में उन्होंने जयप्रकाश जी की स्मृति में यहाँ दिल्ली में भाषण भी दिया था, कुमार प्रसाद जी बैठे हैं, इनको काफ़ी जे पी और वासन जी के संबंध हैं। तो मतलब कलाकारों की पीढ़ी को, चित्रकारों की पीढ़ी को, संगीतकारों को, कला की दुनिया को गांधी ने कैसे प्रभावित किया है, इस चीज को देखने का एक ये पहलू भी हो सकता है। कितने सिनेमा गांधी पर बने हैं, यानी मैं गांधी पर बनी हुई फिल्मों का मेरे पास में एक संग्रह है, गांधी पर बनी हुई, गांधी विचार से प्रभावित है, उनको भी मैं उसी में शरीक मानता हूँ। जैसे कि जब अमेरिका में पहली पहली दफा काले लोगों को बहस में, जो जो कॉलेजों में वाद विवाद होते हैं, वाद विवाद में शरीक होने के लिए शामिल किया गया, तो उसमें सबसे पहले जिस को जो जो एक कॉलेज है जिसने शिरकत की और उसमें उनको पहला इनाम भी मिला, वो जो पहला इनाम मिला उसका जो विषय था वो सत्याग्रह था। तो पूरी फिल्म जो है वो इस पर बनी हुई है, और आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का माहौल, काले लोग कैसा उस तरह का परिवेश है और किस तरीके से शिक्षक उनको तैयारी करवा रहा है। कितनी फिल्में हैं, एटनबरो की फिल्म मतलब मेरे ख्याल में जितनी बार मैं देखता हूं, अभी भी आपको भरोसा हो न हो, कई बार मेरी आंखों में आंसू आते हैं, कई दृश्य देख देखे उस फिल्म को इतनी बार मैंने देखा है, लेकिन कभी अदालत का दृश्य देख करके, कभी जो है वो नदी किनारे का दृश्य देख के, गांधी ने जो है वो कलाओं में पीढ़ी को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया, ये भी मैं मानता हूँ कि इस ढंग से भी जो है वो गांधी जी को देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने ऐसा जीवन सामने रच दिया जो लोगों को कलाओं की सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है, तब आप उनके जीवन में जाकर देखें कि आपने कितनी कला को देखा है या भोगा है, उस बात का बहुत महत्व नहीं रह जाता। फिर भी कर रहा था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो उन्होंने जवाब दिया, चूंकि मुझको रोचक लगा, मैं आज ही आने से पहले उसको देख रहा था, वो इसलिए पढ़ा जाना जरूरी है कि गांधी जी को अगर हम ये देखें कि गांधी जी की अपनी दिलचस्पी कितनी थी चीजों में, कलाओं में, कला में जिसमें साहित्य भी शरीक है जाहिर है, तो हर कोई जानता कि कितना उन्होंने टॉल्स्टॉय से सीखा, टॉल्स्टॉय के साथ पत्राचार था, थोरो, कितने लोग उनके जीवन में आए होंगे। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, ये एक उदाहरण चार पंक्तियों का है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि गांधी जी जो हैं सुने नहीं थे कला साहित्य के मामले में। वो रविन्द्रनाथ ठाकुर को लिखते हैं उस विवाद के जवाब में कि आपने जो है ये एक चरखे के बारे में जो लिखा है, उस बहाने आपने एक आक्षेप मुझ पर जो किया है राजा रामन राय के बारे में, उन्होंने कहा जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहा था कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए बिना भी परम सुसंस्कृत हो सकना संभव है। और जब किसी ने इस संबंध में रामन राय का नाम लिया, तब मुझे याद है मैंने यह कहा था कि वे उपनिषद इत्यादि ग्रंथों के अज्ञात रचिताओं की तुलना में मामूली आदमी थे। ऐसा कहना एक बात है और रामन राय को मामूली आदमी बताना बिल्कुल दूसरी बात है। यदि मैं कहता हूं कि टेनिसन, मिल्टन या शेक्सपियर की तुलना में टेनिसन, मिल्टन, शेक्सपियर की तुलना में बहुत साधारण कवि थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मैं छोटा आदमी मानता हूं। मेरा दावा है कि ऐसा कहकर मैं दोनों के बड़पन की ओर बढ़ता हूं। यदि कवि गुरु के प्रति मेरा भक्ति भाव है तो वे जानते हैं,
मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मिल्टन का जिक्र कोई कर रहा है, टेनिसन का जिक्र कर रहा है और शेक्सपियर का जिक्र कर रहा है, तो आप ये मत मानिए कि गांधी जी अगर कर रहे हैं तो सिर्फ अपना प्रभाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं, और वो भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसी हस्ती के सामने, मतलब चूंकि वकील थे और वकील के नाते उनकी तार्किकता की बात और है, लेकिन मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि उनके अपने मुंह से हम लोग पढ़ सकते हैं कि वो जो है वो मिल्टन और टेनिसन की बात कर रहे हैं। भाई ठीक है, जैसे कामों में गांधी जी ने जीवन होम कर दिया उसमें उनको इसकी बहुत फुर्सत शायद नहीं मिलती होगी कि अब वो नाटक देखने जाएं जैसा कि वो बचपन में जाया करते थे, या वो चीजें देखें। सिनेमा के बारे में भी मेरे ख्याल में वक्त की बात थी, वरना अगर आपने चार्ली चैपलिन की आत्मकथा पढ़ी हो तो चार्ली चैपलिन की आत्मकथा में दो पन्ने गांधी जी से मुलाकात के बारे में हैं। और जब 1931 में पहली और आखिरी बार गांधी जी लंदन गए, मतलब जब गांधी बनने के बाद, उसे मतलब पढ़ाई के वक्त वहां थे ही गोलमेज बैठक में, तो उस वक्त किंग्सली हॉल में जब वहां ठहरे थे, और ये किताब जो मुझको गांधी यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में हमारे मित्र काम करते थे उनकी मदद से मिली, उसके बाद में अशोक वाजपेयी जी को मैंने दी, उन्होंने उसका अनुवाद दोबारा करवाया है, नंदकिशोर आचार्य ने किया है, और अभी जो गांधी शांति ये जो गांधी मार्ग का अंक है उसमें उसके कुछ अंश छप भी रहे हैं, जब मैं कल पूरा भी उसमें छपे, उसमें मुरियल लेस्टर ने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से चार्ली चैपलिन जो है वो गांधी जी से मिलने के लिए आए और किस तरह की बातचीत तो बैठक हुई। दोनों चीजों को जोड़ने के बाद आप ये पाएंगे कि गांधी जी ने कितना प्रभावित किया चार्ली चैपलिन को, और चार्ली चैपलिन ने भी जो लिखा है उसमें भी वो कहते हैं कि मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो चार्ली चैपलिन जाहिर वक्त पे पहुंच गए थे और गांधी जी को आने में थोड़ी देर हुई, पर उन्होंने देखा कि जब गांधी जी वहां पहुंचे, जिस डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर कत्याल शायद थे, उनके मिलने की बात थी, तो ऊपर पहली मंजिल पर उन्होंने बाहर झुक के देखा तो गाड़ी में से गांधी जी उतर रहे थे। उन्होंने कहा इतना जनसमूह मैंने पहले कभी जीवन में नहीं देखा, चार्ली चैपलिन कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में हमेशा जनसमूह से गिरे हुए थे। गांधी जी उतरे, ऊपर आए और उसके बाद में दुआ सलाम हुई, और उसके बाद चार्ली चैपलिन लिखते हैं कि अब मैं गांधी जी से ये तो उम्मीद कर ही नहीं सकता था कि वो ये कहेंगे कि बेटा मैंने तुम्हारी अभी वो फिल्म देखी थी और बड़ा अच्छा तुमने, क्योंकि मान के चलते हैं कि इतना समय गांधी जी को नहीं मिलता होगा। तो उन्होंने कहा मैंने ही अपना गला साफ किया और गांधी जी को कहा कि आप औजारों के खिलाफ क्यों, तो जैसा आमतौर पे कई चीजें जो होती हैं दुष्प्रचार कर दिया जाता है, तो गांधी जी ने जो कहा, अब मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, उन्होंने इतना प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने मोटे तौर पर यही कहा कि देखिए मैं नहीं हूं औजारों के खिलाफ, और औजार का मतलब क्या होता है, दांत जिसे साफ करते हैं वो भी औजार है, यंत्रों की बात है, यंत्रों के जो खिलाफ उनका ये भी यंत्र है, और मैं जिसमें बैठ के जहाज में आया हूं वो भी यंत्र है, तो मैं यंत्र के खिलाफ तो नहीं हूं, टेलीफोन पे बात करते हैं वो भी यंत्र है, लेकिन आप लोगों ने हमको कुछ ऐसे यंत्र हम पे थोप दिए जो हमारे जीवन में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क गर्म है, हम हाथ से खाना खा लेते हैं, आपको चम्मच की जरूरत पड़ती है, आपने हम पे चम्मच और छुरी कांटा के थोप दिया है। तो उनको बात समझ में आई चार्ली चैपलिन को कि उनकी बात में दम है, तो वो सारा जिक्र जो है उन्होंने किया, और वो इस बात को मैं इसलिए इसका हवाला दे रहा हूं कि जो चार्ली चैपलिन जैसा व्यक्ति लंदन में मिलने के लिए आए गांधी जी से, तो आप मान के चलिए कि कलाकारों की पीढ़ी को किस हद तक कहां कहां उन्होंने प्रभावित किया होगा। मैंने सिर्फ इसका आपको हवाला दिया है। उस संस्मरण के अंत में चार्ली चैपलिन लिखते हैं कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक गांधी जी ने कहा कि देखिए अब हमारी प्रार्थना का वक्त हो गया, तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अशिष्टता में जैसा होता है कोई आके कहता है कि चलिए साहब इनका प्रार्थना का वक्त हो गया है अब आप दफा हो जाइए वगैरह, गांधी जी के आप सोच सकते हैं कि पूरा काम का तरीका ही जो है वो अलग था और विनय जो थी उनमें, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी प्रार्थना का वक्त हो गया पर आप चाहें तो हम बैठ सकते हैं, तो कौन नहीं बैठना चाहेगा अगर निकाला नहीं जा रहा गांधी जी के कमरे से, तो चैपलिन वहां बैठे रहे और उसके बाद में रघुपति राघव राजा राम जो भी, तो उसका जिक्र उन्होंने किया जो चार्ली चैपलिन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा इतना तेज दिमाग, इतना तार्किक दिमाग, ऐसा मतलब
ऊंचा हुआ दिमाग और अचानक क्या गाने बजाने में जो है वो लग गए, वो उनको नहीं आया। पर ये इसको आप सांस्कृतिक भेद समझ सकते हैं, पर गांधी जी वो गाना बजाना नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो भजन जो है वो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। अगर हम कलाओं की बात कर रहे हैं तो भजनों से गांधी जी से को आप अलग नहीं कर सकते। भजनों के चुनाव में बात करेंगे तो एक अलग राजनीतिक बात होगी, क्योंकि उसमें उनकी उनका विवेक और उनकी समझ जो है वो सामने आती थी, बहुत ही उच्च दर्जे की जो समझ थी कि वो किस तरीके से उन भजनों का चुनाव। लेकिन वो भजन आवश्यक थे, भजन जो हैं वो आवश्यक थे, और कौन कौन लोग भजन गा चुके अगर इसका भी हम हिसाब लगाएं तो पता चलेगा कि संगीत के मामले में गांधी जी के यहाँ जो लोग गा के चले जाते थे मामूली आदमी नहीं थे। ये अभी जो आज अंक गांधी मार्ग का मिला, संयोग से इसी में मुझको एक चीज मिल गई, तो मैंने कहा कि ये बता देना जरूरी है, उसके बाद में मैं जो है वो समाप्त करता हूं। ये गांधी जी के हवाले से कुछ संस्मरण, यानी गांधी जी के अपने कई हुई चीजें हैं जिनका संकलन है, और आप ये देखिए गांधी जी क्या लिखते हैं। मैं उबा देने वाला वैसा मनहूस बूढ़ा आदमी नहीं हूं ऐसा मुझे चित्रित किया जाता है। सच तो यह है कि मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूं, इस अर्थ में अगर आप मुझे स्कॉच कहें तो गलत नहीं होगा। अब गांधी जी को नहीं पता स्कॉच का स्वाद गांधी जी को मालूम था या नहीं, पर जिन्होंने भी कहा हो तो अगर उसमें उन्होंने मस्ती का रूप देखा तो गांधी जी ने कहा कि मुझको भी आप जो है ऐसा मत मानिए कि मैं मुझ में आनंद नहीं है। अगर वो आपकी सर्वोच्च कल्पना है तो मुझे आप वही मानिए। मैं अपने पैसे पैसे का ख्याल रखता हूं, किसी समय मैं लिसियम जाया करता था, और लिसियम जो है वो लंदन का एक प्रसिद्ध नाटक घर है आप जानते हैं, और गांधी जी लिखते हैं शेक्सपियर के नाटक मुझे अच्छे लगते थे, अप्रतिम एलेन टेरी तो मुझे बहुत पसंद थी और मैं तो उसे पूछता था। और गांधी जी तब जवान थे, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, और गांधी तब नहीं बने थे कपड़े वपड़े भी, तब मैंने तो बल्कि देखा है वहां अफ्रीका में उस मूर्ति को देख करके मैं दंग रह गया, क्योंकि वो एक ही मूर्ति शायद दुनिया में ऐसी होगी जिसमें गांधी जी ने बैरिस्टर का बाना पहना हुआ है और उसके ठीक सामने शराब की दुकान है, उसका नाम ही है गांधी बियर शॉप। तो मैं उसकी तस्वीर खींच के लाया था, पर वो इसलिए कि वो असल में वो गांधी चौक है, वो गांधी की मूर्ति की वजह से वो चौक है। तो पर मैंने बाद में चिट्ठी लिखी, अब पता नहीं वहां है कि नहीं, वो हट गया, पर मैंने वहां के जो हाई कमिश्नर थे उनको पत्र लिखा था कि ये अनजाने में जरूर हुआ है, क्योंकि वो गांधी चौक वहां पे है, इधर गांधी जी की मूर्ति है सामने, गांधी जी के नाम पे शराब की दुकान है, तो उसको उन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को पता ही नहीं गांधी बाद में क्या गांधी हो गए होंगे, इतना ही है कि हमारे यहाँ थे बाद में बहुत बड़े आदमी हो गए, शायद बहुत गौर से कितने पढ़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांधी जी के नाम से थोड़ा भी कोई जानता होगा तो शराब की दुकान तो कम से कम नहीं खोलेगा, लेकिन खोल दी। वो असल में गांधी चौक के नाम पे था, इसलिए वो इलाका ही गांधी जी के नाम से जाना जाता था, पर वो जो मूर्ति है उस मूर्ति में पूरा का पूरा जो लवादा ताना बाना जो है उनका जो बाना है वो बाना उसका है। तो उस उम्र में जब वहां वकील थे, पर उससे भी पहले जब लंदन में पढ़ रहे होंगे तब वो बात कर रहे हैं, पर नियमित रूप से नाटक कर जाता था लिसियम में, पर अप्रतिम एलेन टेरी मुझे बहुत पसंद थी, मैं उसे पूछता था। लेकिन ये तब की बात है जब मेलोड्रामा का चलन नहीं हुआ था, जब रियलिस्टिक यथार्थवादी नाटक खेले जाते थे लंदन के नाटक घरों में। हमारा एक पुराना सुभाषित है कि जिसे संगीत प्रिय नहीं वह या तो योगी है या पशु है। हम योगी तो है नहीं, हाँ जिस हद तक हम संगीत सुने हैं उस हद तक हम पशु तुल्य हैं। संगीत जानने का मतलब यह है कि हम अपना सारा जीवन संगीतमय कर लें। हमारे जीवन में संगीत नहीं है और सुरीला नहीं है, यही कारण है कि हमारी ऐसी दयनीय दशा है जहां प्रजा एक सुर न निकाल सकती हो वहां स्वराज्य कैसे हो सकता है। जहां एक सुर नहीं निकलता हर एक अपना अपना राग अलापता है, जहां जब तार टूटे होते हैं वहां अराजकता या कुराज्य की ही स्थिति हो सकती है। अब आप संगीत को देखिए, मतलब एक रूपक बना करके और किस तरीके से राजनीतिक टिप्पणी की है। हम में संगीत का अभाव है, इसलिए हमें स्वराज्य के साधन प्रिय नहीं लगते।
प्लेटो का यह वचन बिल्कुल सही है कि किसी समाज में संगीत की दशा देखकर उस समाज की राजकीय स्थिति का निश्चय किया जा सकता है। और ये संगीत पे इतना क्यों बोल रहे हैं, इसकी कारण अभी आगे जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि सुबह सुबह वहां खान साहब का संगीत हुआ है और उसकी वजह से बाद में अपने प्रवचन में ये बात उन्होंने इस बारे में कही है। और बड़े गुलाम अली खान थे या कौन खान थे मुझे नहीं मालूम। यदि हमारे जीवन में संगीत का प्रवेश हो तो स्वराज्य का प्रवेश भी हो सकता है। जब करोड़ों लोग एक स्वर में भजन गाना सीख लें, एक स्वर में कीर्तन करने लगें या राम नाम की धुन बजाने लगें और एक भी बेसुरी आवाज न निकले, तब हमारे जीवन में संगीत का प्रवेश हुआ ऐसा कहा जा सकता है। यदि हम इतनी आसान चीज भी सिद्ध नहीं कर सकते तो स्वराज्य क्या पा सकते। जहां दुर्गंध है वहां संगीत नहीं हो सकता, सुगंध भी संगीत का एक रूप है। कितनी बड़ी बात कही है, यानी आप संगीत के प्रति उनकी रुचि देखें ना देखें, संगीत की ऐसी व्याख्या संगीत के बड़े बड़े समीक्षकों ने नहीं की होगी। सुगंध भी संगीत का एक रूप है। सामान्यतः हम सुरीली आवाज को ही संगीत कहते हैं, किंतु संगीत का व्यापक अर्थ करें तो हम देखेंगे कि जीवन का कोई भाग ऐसा नहीं है जिसमें संगीत न बजता हो। आज तो संगीत स्वेच्छाचार के समकक्ष हो गया है। सच पूछिए तो संगीत प्राचीन और पवित्र वस्तु है। हमारे सामवेद की ऋचाएं संगीत की खान है। कुरान शरीफ की एक भी आयत ऐसी नहीं जो सुर के बिना गाई जा सकती हो। और ईसाई धर्म में डेविड के साम यानी कि गीत सुनने पर तो ऐसा लगता है मानो हम सामवेद का गान सुन रहे हैं। कौमी एकता के लिए आप संगीत का रूपक फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मामूली बात नहीं। संगीत में हम हिंदू मुसलमानों का मिलन देखते हैं। वह शुभ दिन कब आएगा जब राष्ट्रीय जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी हम इस मिलन संगीत के दर्शन करेंगे। उस दिन हम राम और रहमान का नाम साथ साथ लेंगे। यदि हम अपने करोड़ों घरों में संगीत का प्रवेश चाहते हैं तो हम सबको खादी पहननी होगी और चक्का चलाना होगा। खान साहब का आज का संगीत बहुत मधुर था, किंतु उसे सुनने का सौभाग्य तो हमारे जैसे चंद लोगों को ही मिल सकता है। किंतु चरखे का संगीत तो हर घर में सुलभ किया जा सकता है। चरखे के संगीत की तुलना में वह संगीत कुछ नहीं है, कारण चरखे का संगीत तो काम धेनु है, करोड़ों का पेट भरने का साधन बनता है। मुझे तो उसमें भी सच्चा संगीत दिखाई देता है। हम संगीत का ऐसा संकुचित अर्थ न करें कि वह सदैव कंठ से शुद्ध स्वर में ताल के साथ गाने बजाने का अभ्यास मात्र काल कहलाए। जीवन में एक रागता और एक तानता होने पर भी सच्चा संगीत प्रकट होता है। हृदय का कोई ताल बेसुरा नहीं होता, तभी संगीत का जन्म होता है। तब सारे देश में करोड़ों लोग एक ही स्वर में बोलेंगे, तब संगीत का हमारा यह प्रयोग सफल हुआ कहलाएगा। ये स्वराज्य के बारे में संगीत का रूपक लेकर के और जो व्याख्या स्वराज्य की और आंदोलन की उन्होंने की है और जो आह्वान जो है देश के समाज का किया है, इसको भी गांधी जी का के कलाओं के एक पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। न कि सिर्फ इसलिए कि उनको कौन सा संगीत पसंद था, वो कौन से गायक को पसंद करते थे या उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी या वो कौन सी किताबों को उन्होंने पढ़ा था। जैसा कि मैंने कहा कि चार्ली चैपलिन से लेकर के और अनेक महान साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों, शायद ही दुनिया में किसी हस्ती ने इतना प्रभावित किया होगा कि वो लोग जिन जिन क्षेत्रों में थे कलाओं के, वहाँ वो ज़्यादा समृद्ध हुए, उन्होंने ज़्यादा सीखा, वो ज़्यादा बड़े हुए, क्योंकि उन्होंने गांधी विचार में आस्था रखी और जताई। मैं आभार मानता हूँ। और जनवादी जन परिषद दिल्ली, मुझे नहीं मालूम था कि सक्रिय है और आज पता चला कि सक्रियता है। लोहिया जयप्रकाश, किशन पटनायक जी लोग जो हैं इस दौर में, जो बिल्कुल एक विचित्र सी कहना चाहिए कि स्थिति है जिसमें बिल्कुल बाजार के चलते हुए और खराब राजनीति के चलते हुए लोग अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को बुलाते चले जा रहे हैं। उसमें चाहे थोड़े ही सही, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ नहीं है, पर उसकी परवाह नहीं। अगर 20 लोग भी, 10 लोग भी अगर जन परिषद जुटाए और कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन थानवी जी का। अभी जिस तरह से इन्होंने ये किया कि दुनिया भर के संगीतकार, विभिन्न कला के विभिन्न क्षेत्रों के लोग गांधी के विचारों से समृद्ध हुए, उनकी कलाएं समृद्ध हुई। मैं समझता हूं कि हम जितने श्रोता यहां पर हैं,
वो सब भी आप दोनों महानुभावों के इस वक्तव्य से समृद्ध हुए होंगे। अभी धन्यवाद ज्ञापन का समय आ गया है क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। गांधी पर हाल के दिनों में बहुत बड़ा काम कर चुके, चंपारण सत्याग्रह पर 5 किताबें पर शोध करके लिख चुके वरिष्ठ साथी अरविंद मोहन जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, इसके बाद सभा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने किशन जी को बहुत कायदे से याद किया और मुझे लगता है ये आयोजन सबको अच्छा लगा होगा। और उसकी मुख्य बात यही है कि प्रयाग जी काफ़ी तैयारी से आए थे और हमारे जैसे लोग अब ये इंतजार करेंगे कि उनका ये पेपर छपे कहीं तो उसकी और बारीक चीज़ें दिखाई दें। मुझे लगा कि अध्यक्ष के रूप में ओम थानवी जी ने भी पर्याप्त तैयारी रखी थी मन से, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी उसमें, तो इसलिए ये आयोजन ज़्यादा बढ़िया हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें गांधी के कला से जुड़ी हुई हैं और क्या ताकत थी उसको प्रयाग जी ने मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से अहिंसा और स्वच्छता दो चीज़ों से जोड़ के किया, उसको असली रंग रूप दिया। और उसकी ताकत हम बार बार देखते हैं। एक सुब्बा लक्ष्मी का ये किस्सा प्रसिद्ध है कि गाने का कहीं पैसा उन्होंने लिया तो एक बार गांधी ने ये कहा कि गला तो भगवान का दिया हुआ है, इसके लिए पैसा क्यों लेती है। और एम एस सुब्बा लक्ष्मी ने उसके बाद जीवन भर कभी पैसा लेके गाना नहीं गाया। और ये सच्चाई है कि आखिरी दिन तक वो किराए के घर में मियाँ बीवी दोनों रहते थे, कहीं उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तो इतनी ताकत अगर गांधी के अंदर आई और लोगों ने इसको माना तो गांधी की समझ और उनकी उसमें संलिप्तता ही थी और समाज से जुड़ा हुआ था। इन चीज़ों को अंडरलाइन आज किया गया और मुझे लगता है कि इससे बेहतर ढंग से हम लोग किशन पटनायक को याद नहीं कर सकते थे। दोनों वक्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोग आए इसके लिए सबका।